हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ एंड केमिस्ट्री चैनल। सो स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज एचएमओ थ्योरी, व्हिच इज हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी अप्लाई इट फॉर कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो दीज मॉलिक्यूल्स मे बी लीनियर मॉलिक्यूल्स और मे बी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। लाइक लीनियर मॉलिक्यूल्स आर इथीन मॉलिक्यूल, साइक्लोब्यूटेडाइन 135, 135 हेक्साट्रायन, 1,3-ब्यूटाडाइन, एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल्स लाइक साइक्लोब्यूटीन, बेंजीन एट्सेट्रा। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एचएमओ थ्योरी? वी कैन फाइंड आउट द डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ओके, एंड वी कैन फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, बिकॉज मोर डीलोकलाइजेशन एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। So HMO theory it have introduced some approximations that we will apply to solve the systems, to solve the conjugated systems. Okay, and HMO theory, it's approximate method which uses the variation method to treat the conjugated hydrocarbon system. Okay, and okay, let's see the approximations. What are the approximation that Huckel theory have introduced? So you know, in LCAO method for hydrogen ion, we have seen one secular determinant. Okay, let me write that secular determinant over here. So that secular determinant is H11 minus S, sorry, ES11 H12 minus E S12, H21 minus ES21, H22 minus ES22, and this determinant is equal to zero. Okay, you can see here three integrals are used. Okay, this H11 type, H22, these are same. So H11, these type of integral which is are of HII, these are known as Coulomb integral. Okay, and these integral H21 or H12, these are known as exchange integral, and the integral which are represented by S, these are known as overlap integral. Okay, so some assumptions are made by Huckel on these integrals. So the first assumption is HII is assumed to be same for all the carbon atoms, because we are studying hydrocarbons in which carbon mainly carbons are present. Okay, all the carbons are same, all the atomic orbital will be same, right? So this is the atomic orbital of first carbon, this is the atomic orbital of second carbon, right? So all the HII type of integral, these are assumed to be same for all the carbon atom, means H11, H22, H33. Jahan pe bhi H11, H22, H33 hoga integral mein, sorry, determinant mein, we will put alpha, and that is equal to alpha. To alpha kya hai? Hamara Coulomb integral hai. ठीक है, वो सेकंड assumption है, HIIJ is assumed to be equal to constant value, that is beta. ओके, सो हियर जितना भी जो भी वैल्यूज होंगी H12, H21, H23, H32, मीन्स दीज एच आई जे दीज इन दीज एच आई जे दीज मस्ट मस्ट बी इन द नेबरहुड ऑफ ईच अदर, मीन्स दीज शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, सो आई जे व्हाट इट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द कार्बन, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम. ओके, जैसे यहाँ पे है, सपोज एच थ्री कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे थ्री कार्बन है, एफ डी कार्बन इज एसोसिएटेड विद सम एटॉमिक ऑर्बिटल. सो दिस H1 2, इट मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, सो हियर यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकेंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर वेरी इजिली. सो द वैल्यू ऑफ H12, इट विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू बीटा. बट H1 मीन्स द फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द थर्ड वन, बिकॉज दीज आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर. सो H13 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. ओके, तो जो भी एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, फॉर दैट एच वैल्यू विल बी इक्वल टू बीटा, एंड इफ दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड देन वैल्यू विल बी जीरो. जितने भी H13, H31 या फिर H25 हो गया, ये सारे के सारे वैल्यू जीरो होंगी. जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जैसे H12 है, 21, 23 और 34, 43, ये वैल्यूज क्या होंगी? बीटा के इक्वल. और जितने भी ओवरलैप इंटीग्रल्स होंगे, ये थर्ड अजम्पशन है, ओवरलैप इंटीग्रल SII टाइप, मीन्स S11, S22, S33, ये होंगे 1 के इक्वल. वाई? बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉर्मलाइज्ड. क्योंकि S11 क्या रिप्रेजेंट करता है?
इंटीग्रल ऑफ 5151 और 51 स्क्वायर, ओके, और क्या रिप्रेजेंट करता है 51 स्क्वायर. एंड यू नो इफ दी ऑर्बिटल्स आर नॉर्मल, इफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल और दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, वैल्यू क्या आती है 1 आती है. और जितने भी इंटीग्रल होंगे एस आई जे टाइप, जैसे 1 2 2 1 1 3 3 1, ये सारे जीरो होंगे. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओवरलैपिंग. ठीक है, एस आई आई का मतलब क्या होता है कि ओवरलैपिंग बिटवीन सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटल, जैसे एस एस है, पी एक्स पी एक्स है, पी वाई पी वाई हो गया, इनमें 100% ओवरलैपिंग होती है. बट इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल से पी एक्स पी वाई है, बिकॉज इनके ऑरियंटेशन डिफरेंट है, अगर एक्स इस डायरेक्शन में होगा तो वाई इस डायरेक्शन में होगा, तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होगा. ठीक है, देर विल बी नो ओवरलैपिंग. सो ओवरलैपिंग वैल्यू कितनी होगी, जीरो. तो जितने भी एस सेम होंगे 1 1 2 2 3 टाइप 3 टाइप, इन दैट केस वैल्यू विल बी 1. एंड इन दिस केस वेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, द ओवरलैप इंटीग्रल विल बी जीरो. ओके, नाउ वी विल यूज दिस अजम्पशंस हियर इन दिस डिटर्मिनेंट. ओके, तो जहां पे भी हमने लिखा है, जहां पे भी 1 1 होगा वी पुट अल्फा. ओके, ई सेम रहेगा. और जहां पे भी हमने एस 1 1 लिखा है वहां पे क्या आएगा, एस 1 1 तो 1 है, एच 1 2 के प्लेस पे बीटा आएगा माइनस ई. ओके, तो यहाँ पे एस 1 2 क्या है, जीरो हो जाएगा ये टू. ठीक है, बिकॉज ओवरलैपिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, सो ये जीरो होगा. सिमिलरली हियर ऑल्सो एच 2 1 क्या बीटा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इंटीग्रल है, एस 2 1 तो जीरो हो जाएगा. और एस एच 2 2 रिप्रेजेंट अल्फा, तो जितने भी एच 1 1 2 2 एच 3 3 होंगे सारे अल्फा के इक्वल होंगे. ओके, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1, तो हमारे पास आ जाएगा ई. ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे. उसके बाद वी विल डिवाइड इट विद बीटा, तो सारे के सारे डिटर्मिनेंट को हम बीटा से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट अल्फा माइनस ई बाय बीटा. यहाँ पे 1 1 अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल टू जीरो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस ई बाय बीटा को हम एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं. ठीक है, सो वी विल पुट, और यू कैन राइट पुट अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल्स टू एक्स. तो इसको हम एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे एंड इन द एंड वी विल गेट एक्स 1 1 एक्स. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेट मी शो यू हियर. सो इन दिस डिटर्मिनेंट वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस वैल्यू इक्वल्स टू एक्स. जहां पे भी अल्फा माइनस ई बाई बीटा होगा वहां पे हमने एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. तो इसको आप रीअरेंज करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई. एंड ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा, वेयर बीटा विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ओके ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू राइट द डिटर्मिनेंट फॉर द ऑर्गेनिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो फर्स्ट हम देखते हैं इथीन के लिए. ओके, सो हाउ टू राइट डिटर्मिनेंट फॉर इथीन मॉलिक्यूल. सो फर्स्ट चेक हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, सो फॉर दैट वी फॉर्म द डिटर्मिनेंट एंड हियर यू विल राइट 1 एंड 2 बिकॉज वी हैव 2 कार्बन एटम. हियर ऑल्सो राइट 1 एंड 2, 2 कार्बन एटम्स. ओके, एंड ऑन द डायगनल जस्ट राइट एक्स. डायगनल पे लिखना है अपने एक्स, एंड एक्स रिप्रेजेंट योर कार्बन एटम. ओके, और एक्स रिप्रेजेंट द एटोमिक ऑर्बिटल ऑन द कार्बन एटम. तो आप देखोगे फर्स्ट कार्बन जो है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2, तो सेकंड पोजीशन पे आप 1 लिखोगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड. ओके, फिर आप चेक करोगे सेकंड वाला कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन भी फर्स्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ओके, एंड होल इक्वल टू 0. तो सो दिस इज अ वे टू राइट द डिटर्मिनेंट. ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ब्यूटाडाइन. सो ब्यूटाडाइन के लिए हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो ब्यूटाडाइन के लिए फर्स्ट यू विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. तो टोटल कार्बन 4 है हमारे पास, सो हम 4 बाय 4 के डिटरमिनेंट बनाते हैं. जस्ट राइट द नंबर फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस रिप्रेजेंट द कार्बन एटम. ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हम कार्बन एटम लिखते हैं. सो दिस इज 1 एंड 1. ओके, सो फर्स्ट पोजिशन पे आपके पास एक्स आएगा, जितने भी डायगनल है वहां पे आप एक्स लिखोगे. ठीक है, एक्स एक्स एक्स. Now check the first, this X represent first carbon, this X represent second carbon, this X represent third carbon and this represent fourth carbon. तो आप चेक करो कि डायरेक्ट लिंक किसके साथ है X का. तो X जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकंड, तो सेकंड पे 1 आएगा और थर्ड एंड फोर्थ पे 0 आएगा. एंड नाउ चेक द सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे 1 आएगा
और बाकी पे जीरो आएगा. नाउ चेक फॉर थर्ड. थर्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकेंड एंड फोर्थ. तो सेकेंड एंड फोर्थ पे वन आएगा एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी फिल्ड विद जीरो. उसके बाद फोर्थ वाला कार्बन जो है वो थर्ड के साथ कनेक्टेड है और बाकी जीरो. सो ओके, सो दिस इज अ वे टू राइट द डिटर्मिनेंट. और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. ओके, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन. यूजिंग एचएमओ थियरी फाइंड टोटल एनर्जी एंड डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ साइक्लोब्यूटाडाईन. ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाईन. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाडाईन. दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट वी विल राइट द डिटर्मिनेंट. तो आपने क्या करना है, वी हैव फोर एटम्स, फोर कार्बन एटम्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. तो 4x4 क्या पहले डिटर्मिनेंट ड्रॉ करोगे. ओके, सो 4x4 की डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने के बाद ऑन द डायगोनल यू विल राइट एक्स 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 एंड एक्स. ओके, अब आप चेक करो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो किसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली. फर्स्ट कार्बन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकेंड एंड फोर्थ. तो सेकेंड नंबर पे वन एंड फोर्थ नंबर पे वन आ जाएगा. ठीक, उसके बाद आप चेक करो कि सेकेंड कार्बन जो है, दिस इज सेकेंड कार्बन. सेकेंड कार्बन इज कनेक्टेड विद वन एंड थर्ड. तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे वन आएगा, फोर्थ पे जीरो आएगा. उसके बाद थर्ड वाला कार्बन चेक करो किसके साथ कनेक्टेड है. सेकेंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है फोर्थ के साथ. तो सेकेंड एंड फोर्थ पे वन आ जाएगा और फर्स्ट पे जीरो. फिर आप चेक करो फोर्थ कार्बन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन एंड थर्ड. तो फर्स्ट एंड थर्ड पे वन आएगा और बाकी पे सेकेंड पे जीरो आ जाएगा. ओके, जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वी गेट एक्स फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि इसको सॉल्व करके आपके पास ये वाली इक्वेशन आती है. ओके, सो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो. सो इधर दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो. तो इधर आप एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करते हो तो आपके पास आता है टू रूट्स, है ना, एक्स के दो रूट्स आ जाते हैं विच इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो. एंड यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो यू विल गेट अगेन टू रूट, वन इज प्लस टू एंड अदर इज माइनस टू. ओके, सो बिकॉज हियर द ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज फोर, तो हमारे पास फोर ही रूट्स आएंगे. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू रूट्स आते हैं, तो अगर ऑर्डर फोर है सो वी विल गेट फोर रूट्स. सो हियर वी गॉट द फोर रिजल्ट्स ऑफ एक्स. ओके, हम फोर वैल्यूज आई है हमारे पास एक्स की. तो अगर एक्स की वैल्यूज फोर है तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज भी फोर होंगी. ठीक है, सो वी नो दैट एक्स इज रिलेटेड टू एनर्जी बाय दिस एक्सप्रेशन. सो ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा. ओके, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जो हमारे पास एक्सप्रेशन था एक्स सब्सिट्यूट किया था हमने उसको अल्फा माइनस ई बाय बीटा. ओके, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा. सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. जब एक्स माइनस टू है तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस टू बीटा. ठीक है, माइनस टू पुट कर दोगे यहाँ पे तो यू विल गेट अल्फा प्लस टू बीटा. और उसके बाद जब आप एक्स की वैल्यू टू पुट करोगे यू विल गेट अल्फा माइनस टू बीटा. और जब आप थ्री की एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे चार एनर्जी लेवल्स आ, क्योंकि एक्स जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो वैल्यूज है हमारे पास, जीरो जीरो टू टाइम है, तो हमारे पास ए भी टू टाइम्स आएगा अल्फा अल्फा. तो हमारे पास फोर एनर्जी लेवल्स हो गए, वन इज अल्फा प्लस टू बीटा, सेकंड इज अल्फा माइनस टू बीटा, थर्ड इज अल्फा एंड अल्फा. नाउ वी नीड टू चेक विच वन इज लोअर एनर्जी लेवल. वो हम कैसे चेक करेंगे, वी नो दैट बीटा इज ऑलवेज नेगेटिव. प्लीज रिमेम्बर बीटा इज ऑलवेज नेगेटिव. अब आप चेक करो अगर यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो तो अल्फा में से कुछ माइनस हो जाएगा. ठीक है, अल्फा में से कुछ माइनस होगा तो ये बन जाएगा लोअर एनर्जी लेवल. बट अगर आप सेकंड केस चेक करो यहाँ पे बीटा की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स अल्फा में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा और ये रहेगा बीच में. ठीक है, इन बिटवीन. सो नाउ वी विल ड्रॉ द एनर्जी लेवल. सो एनर्जी लेवल में जो फर्स्ट लेवल आएगा वो होगा अल्फा प्लस टू बीटा. बिकॉज बीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करोगे तो ये कम हो जाएगी वैल्यू. सो अल्फा प्लस टू बीटा कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोअर एनर्जी एंड अल्फा जो होगा वो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा. सेकेंड एंड थर्ड आप इसको लिख सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड, ये फोर्थ होगा हमारे पास. फोर्थ कौन सा होगा, अल्फा माइनस टू बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा तो ये एनर्जी हायर हो जाएगी. उसके बाद हम पुट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इन दिस सिस्टम हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वी हैव फोर पाई इलेक्ट्रॉन. तो फोर पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, सो दीज टू इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, बिकॉज वन एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट टू
two electrons. Okay, and the rest of the two electron will be filled in the second and third energy level. Now you can see second and third to degenerate है. Okay, तो degenerate energy level will be filled first singly. पहले एक एक electron fill करते हैं, उसके बाद pairing start होती है. तो ये होगी distribution of electron. Now we will find the total pi energy of the pi electron energy of the system. So pi electron energy क्या होती है? जितने भी here we will sum we will add up all the energies of all the electrons. Okay, so in आप check करो first the energy of the first level is 2 alpha plus 2 beta and how many electrons are present? 2 electrons. So 2 electrons ki energy kitni hogi? 2 into alpha plus 2 beta. Okay, and 1 electron is present in alpha, so 1 into alpha. And 1 electron is present in another orbital, so 1 alpha. So total add karke hamare paas aa jayega 4 alpha plus 4 beta. Okay, now we want to find out the delocalization energy. Delocalization energy, it corresponds to the stability of the molecule. Let's see whether this molecule is stable or not. So formula to find out delocalization energy is total energy of the system minus energy of the ethylene unit. Okay, because ethylene unit mein kya hota hai, electron localized hai. Okay, so total energy mein se agar hum localized energy minus kar denge to delocalization energy aa jayegi and energy of the free electron present. Okay, so here we know the total energy of the system. Abhi humne calculate ki this one 4 alpha plus 4 beta हम substitute कर देंगे and energy of the ethylene unit. Okay, so see energy of the one ethylene unit, it is alpha plus beta. ठीक है, but हमारा जो cyclobutadiene है इसमें हमारे पास दो, in this we have two ethylene unit, तो दूसरे की भी energy कितनी होगी? Alpha plus beta, and in one ethylene unit how many two electrons are present? 2 electron. Here also 2 electrons. Okay, तो दो दो electrons present है, total energy कितनी हो जाएगी दो ethylene units की? 4 into alpha plus beta. Okay, तो यहाँ पे हम put करेंगे, इसको आप simply 4 लिख सकते हो, दो बार दो लिखने की जरूरत नहीं है. So this is 4 into alpha plus beta and the energy of free electron, here we don't have any free electron, so no free electron is present, so zero energy. Now you can subtract it and the answer you will get is 0. Okay, so delocalization energy of the cyclobutadiene system, it is 0, means Uccle theory predict that this molecule is quite unstable because there is no delocalization energy. Okay, so this is the HMO theory for cyclobutadiene. Okay, so next question, allyl system, I'll discuss in the next video. So till then, watch this video. I hope this will be helpful to you. Thank you so much for watching this video and we'll meet you in the next second part.